नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। देखिए आपको बता दें, रेवाड़ी में चोरों ने एक रात में 5 घरों में लगाई सेंध। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए रेवाड़ी में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है और आज देखिए ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें चोरों ने एक ही रात के अंदर 5 घरों में सेंध लगा दी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और देखिए ये घर ऐसे नहीं कि एक मान लो कहीं हो एक कहीं हो, बिल्कुल आसपास ये घर थे। टीपी स्कीम के अंदर की ये वारदात को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। टीपी स्कीम के अंदर की ये घटना है। और देखिए आपको बताता हूँ, चोरों ने जो वारदात को अंजाम दिया उसमें सबसे पहले जो एक घर में घुसे और मतलब फिर आसपास के जो 4 घर थे उनमें भी घुसे। एक घर से रॉयल इनफील्ड बाइक को चोरी की गई है तो दूसरे घर से जो बाइक चोरी की गई थी उसको 50 मीटर आगे जो प्लाट सा पड़ा था खाली उसमें छोड़कर भाग गए। मतलब एक घर से रॉयल इनफील्ड चोरी हो चुकी है, दूसरी से जो बाइक वो बच गई वो 50 मीटर आगे जो है एक प्लाट था खाली उसमें छोड़कर चले गए। हालांकि जो 4 घर और बच गए, 4 घर जो बच गए मतलब एक में से तो रॉयल इनफील्ड चोरी हो गई, जो 4 घर बचे हैं उनमें कितना सामान चोरी हुआ है, कितनी बातें जो भी अभी तक मतलब पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं आया कि कितना सामान चोरी हुआ है। इसके बाद पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने जो भी है बयान वगैरह लोगों ने दिए उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं, हालांकि कैमरे में साफ अच्छी तरह नहीं दिख रहे, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 2 व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे उनमें से ही हैं। तो देखते हैं पुलिस कब तक इनको पकड़ लेती है। रेवाड़ी की जितनी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।